फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं यहाँ लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ लिपस्टिक में दो शेड्स हैं, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है फ्रेंड्स। और इसको मेरे हस्बैंड ने मुझे एज अ गिफ्ट दिया था, और देन उसके बाद मैं बिंदी लगा के रेडी हो जाऊँगी, तो आप लोग को पता चलेगा वीडियो के बीच में कि मैं कहाँ जा रही हूँ फ्रेंड्स इतना सज धज कर। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है। Hey guys, welcome back to my channel. उम्मीद है आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी फ्रेंड्स, बाहर की भी कुछ ठीक आने चालू हो गई है, क्योंकि अभी आप लोगों को जैसा पता है कि विंटर का सीजन चालू हो गया है और मुंबई में हल्की फुल्की तो ठंड पड़ती ही, ऐसा नहीं है कि एकदम ठंड नहीं पड़ता। और ये देखिए तक्षु को देख लीजिए फ्रेंड्स, तक्षु को भी छींक आ रहा है और साथ में मुझे भी आ रहा है फ्रेंड्स। तो अभी हो गया है शाम, आप लोग को व्यू दिखाती हूँ शाम का। तो अभी हो गया शाम, शाम के बज रहे हैं 6 और थोड़ी देर में यहाँ पे जो है ना अंधेरा हो जाएगा, और जगहों की अपेक्षा यहाँ थोड़ा लेट में अंधेरा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सन जो है काफ़ी देर में ढलता है, इस वजह से अंधेरा बहुत मतलब टाइम लगता है अंधेरा होने में। और ठंड के दिन में तो वैसे ही जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो गर्मियों में यहाँ 7 बजे अंधेरा होता है, बट अभी यहाँ पे जो है 6 बजे अंधेरा, 6:45 बजे तक अंधेरा हो जाता है। तो तक्षु, मैं, भार्गवी और इसके पापा कहीं जा रहे हैं, आगे अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। yes. तो अभी हम लोग चल रहे हैं तैयार होने, तो मैं भार्गवी को बोली फटाफट मुंह धो लो, क्योंकि जो है रेडी होने में भी टाइम लगता है, दोनों बच्चों को रेडी करना और खुद भी रेडी होना, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना डिफिकल्ट होता है। तो सो चलिए, तब तक मैं तैयार होती हूँ, फिर आप लोग से बाद में मिलती हूँ। फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई हूँ, मतलब मैंने अपने हेयर स्टाइल बना लिया है और थोड़ा सा जो है मेकअप कर कर अपना जो है कंप्लीट कर लिया ड्रेसअप। और ये मैंने जो है सूट डाला हुआ है प्लाजो वाला, और मैंने सागर चोटी किया हुआ है, और भार्गवी का इस तरह से मैंने हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो क्योंकि मुझे पहले से नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, अचानक से जो है मेरे हस्बैंड ने बोला कि जाना है, तो फिर मैं बोली ठीक है जैसा आप बोलिए। तो ये देखिए तक्षु का ड्रेस, तो मैं तक्षु को ये वाला जो है कपड़े जो है पहनाऊंगी। तो ये जो कपड़ा है ना तक्षु को बर्थडे में एज अ गिफ्ट मिला था फ्रेंड्स। और ये तक्षु देखिए ये काम कर रहा है, उसकी तो मस्ती देखिए, पूरा गणपति बप्पा लगता है मेरा छोटू सा गणपति। और भार्गवी रेडी हो गई हो, मैंने इसको सबसे लास्ट में रेडी किया है, क्योंकि जानते हैं बच्चे लोग को पहले रेडी कर दो ना तो वो एकदम भूत बन जाते हैं, तो मैं इसलिए तक्षु को लास्ट में रेडी कर रही हूँ। और उस तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं, बस मुझे जो है अपना प्लाजो पहनना है और उसके बाद मेरा तो पूरा रेडी हूँ। तो मैं यहाँ मेकअप में कुछ ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि मैं ज़्यादा फाउंडेशन वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बस जो है क्रीम और मैक्सिमम जो है जो मेकअप होता है ना पाउडर क्रीम और लिपस्टिक, और अपने थोड़े आईब्रो को इन्हेंस करती हूँ, देन उसके अलावा कुछ नहीं करती ऐसा। और मैंने हेयर स्टाइल में वही सिंपल सा जो है सागर चोटी कर लिया है, क्योंकि बाल जो है ना मैंने वॉश नहीं किया था, क्योंकि मुझे पहले से नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, इस वजह से मैंने हेयर वॉश नहीं किया हुआ था। तो मुझे कुछ जो समझ में आया मैंने वैसा हेयर स्टाइल बना लिया है, और मैंने कॉन्स में जो है टॉप्स डाल लिए हैं। तो अभी देखिए तक्षु का जो वाइट शर्ट है मैं उसको वेयर करा रही हूँ, और यह तक्षु जो है थोड़ा चिड़चिड़ापन उसको लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, जानते हैं उसको शर्ट ना मुझे लगता है कि उसको पसंद नहीं था, बर्थडे में भी जब मैं उसको शर्ट पहना रही थी ना तो काफ़ी वो रो रहा था, तो मैंने उसको अभी गोद में लेके मैं उसको बोली पहनाती हूँ मैं उसको आराम से। तो उसके बाद हम सभी लोग रेडी हो गए, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक। और पति देव देखिए वो कैसे देख रहे हैं हम लोग को, ये हाँ भार्गवी तो वो सोची थी रील्स बनाने जा रही मम्मी, बट मैं रील्स नहीं बनाने जा रही थी। तो ये देखिए भार्गवी का जो हेयर स्टाइल, इसका मैंने आगे से फ्रेंच कर दिया है, और तक्षु को मैंने ड्रेस पहना दिया है, शूज़ जो है सेम नहीं है तक्षु का। तो और ये देखिए मेरा पूरा फाइनल लुक जो है मैंने ये डाला था, मैंने सबसे पहले सोचा था ना कि मैं डालूंगी साड़ी पहनूंगी, तो साड़ी का जो ब्लाउज़ था वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गया था, क्योंकि मैंने अपना वेट बहुत ज़्यादा लॉस किया है फ्रेंड्स। तो उसका वीडियो मैं जल्दी शेयर करूंगी आप लोग के साथ कि मैंने कैसे अपना वेट जो है लॉस किया, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद मैंने बहुत ही पुट ऑन कर लिया था अपना जो वेट, तो मुझे उसको घटाना था। तो मैं वो सारी सीक्रेट जो है ना मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी जब भी टाइम मिलेगा। तो अभी तो देखिए बस हम लोग रेडी हो गए हैं, उसके बाद अब हम लोग निकलेंगे, और पतिदेव के साथ मैं नहीं निकलूंगी, मैं अकेले ऑटो में जाऊंगी। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए, यहाँ जो है एंट्री हो गई है हमारी रेड कारपेट पे, मेरी, भार्गवी की और तक्षु की। तो और ये देखिए गणपति बप्पा जिनका हम लोग आशीर्वाद लेकर ऊपर अब जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और लास्ट में टेरेस था, तो हमारा जो था ना
ये देखिए ये ग्राउंड फ्लोर है, तो हमारा तो जो था ना सेकेंड फ्लोर पे रहा, तो हमको सेकेंड फ्लोर पे जाना था, तो हम ना लिफ्ट से जाएंगे, तो लिफ्ट से जाएंगे क्योंकि अभी कौन उतना जो है सीढ़ी वगैरह जो चढ़ेगा। तो अभी मैं वही तक्षु को लेके थोड़ा सा जो है ना वीडियो जो है देखिए अभी शूट कर रही हूँ, और भार्गवी को बहुत मज़े हैं, भार्गवी को तो बस यही सब चीज़ों का इंतज़ार रहता है कि कहाँ शादी पड़े, तो यहाँ हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। तो ये देखिए हम लोग हॉल में पहुँच गए हैं, जिसका इंतज़ार था आप लोगों को कि मैं कब से आपसे जो है छुपाई हुई थी। अभी देखिए रिवील करती हूँ, हम लोग आए हैं बारसा में बच्चे के, और अभी जो है ना रिसेंटली जो है बेबी हुआ था, तो बस हम लोग के उसी के फंक्शन में आए हुए हैं, इनके फ्रेंड के इनके फ्रेंड को मतलब बेटा हुआ था, तो बस उसी का सेलिब्रेशन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, इसके पापा बाद में आएंगे, तो हम लोग जो है ना पहले ही पहुँच गए थे ऑटो से, क्योंकि बाइक पे जो काफ़ी दिक्कत हो जाता है तक्षु को लेके, तो इस वजह से हम लोग ऑटो में आए हुए थे। तो मैं तक्षु को बहुत मज़ा आ रहा था, और भार्गवी भी स्नैक्स वगैरह बहुत खा रही थी, उसको बहुत मज़े थे। तो ये देखिए येलो कलर के जो साड़ी में है ना, उन्हीं को बेबी हुआ था वो दोनों जन को। और ये देखिए कितना अच्छा स्टेज वाला डेकोरेशन, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी मतलब बहुत पसंद आया। और ये तक्षु खूब घूम घूम के एकदम मस्त मज़े ले रहा है। और ये देखिए अलग से जो है फ़ोटोशूट वगैरह कराने के लिए अलग से जो है चेयर वेयर लगा हुआ था, तो मैंने एक दो पिक निकलवाया, ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि तक्षु जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान रहा था, और उसके पापा अभी तक पहुँचे नहीं थे इस वजह से। और तो अब मैं जो है ना इसके बाद जो है गिफ्ट्स वगैरह देकर हम लोग जाएंगे ऊपर खाना खाने। तो ये देखिए भार्गवी पता नहीं कहाँ चली गई थी, इस वजह से उसका फ़ोटो नहीं आ पाया, उसका सॉरी वीडियो में नहीं आ पाया, वो शायद खाने में लगी हुई थी। बच्चे लोग को तो बहुत मज़े रहते हैं। और तक्षु और ये देखिए तक्षु की दादी लगेंगी, और यहाँ देखिए सभी लोग जो है खाने खाने बैठे हुए हैं डाइनिंग एरिया में। तो ये टेरेस पे जो था ना खाना पीना था मतलब था, तो ये मराठी लोग रहे हैं, तो इनका खाना पीना ना काफ़ी जो है गुजराती लोग से काफ़ी डिफरेंट होता है, तो थोड़ा स्पाइसी रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तो ये मैं जो है आइसक्रीम ना तक्ष को खिला रही थी, और इस हस्बैंड जी जो है खा रहे थे। गाइस खाना खाने के बाद हम लोग नीचे आए, और फिर नीचे से सबसे मिलकर फिर उसके बाद हम लोग घर की ओर अपना निकल गए। तो मैं तो ऑटो से आ गई, और फिर हस्बैंड जो है वो बाइक से आए। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय बाय।